जिला अस्पताल में 17 अक्टूबर को इलाज कराने आई मंदबुद्धि युवती के गायब हो जाने से बाद तफ्तीश में जुटी महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने उसे 24 घंटे में ही बरामद कर लिया। गौरतलब है कि गुंजा पुत्री रामदरस निवासी ग्राम परेसापार कौड़ीराम थाना बांसगांव की रहने वाली है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है और वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो 17 अक्टूबर को जिला अस्पताल में इलाज कराने आई थी। मंदबुद्धि होने के कारण वह अपना नाम पता बताने में असमर्थ थी। इलाज के दौरान ही वह 17 अक्टूबर को अपने परिवार वालों से भटक गई थी। इस संबंध में परिवारजनों ने थाना कैंट पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसको लेकर महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह एवं कौड़ीराम चौकी इंचार्ज विनय कुमार राय के अथक प्रयास से 18 अक्टूबर की शाम लगभग 7 बजे मानसिक रूप से बीमार लड़की के परिजनों का पता लगाकर उसे उसके परिवार वालों के सुपुर्द किया गया। परिवार वाले अपने भटकी हुई पुत्री को प्राप्त कर अपनी खुशी का इजहार करते हुए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। घर जाओगी? हाँ? नहीं घर जाओगी ना? बोलो मुझसे। कैसे बोलो? कैसे? अखु। नहीं बोल। बताइए। ये कौन है आपकी लड़की है? लड़की है। आपका क्या नाम है? रामदरस। रामदरस। आपकी लड़की क्या नाम है? गुंजा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कौड़ीराम। छह लड़की कब से खोई थी आपकी? डेढ़ बजे। बुद्धि कम है इसको? हाँ, बुद्धि कम है। पूरी घटना बताइए क्या हुआ था? ये कल दवाई भी करने के लिए गए थे सदर। उसके बाद ये डेढ़ बजे घर से निकली, सदर गई और पहले बात घर पर नहीं गई। हम लोग 6 बजे से इनको सवेरे से खोजने शुरू किया। हमारे गांव के आसामी है रामदरस गांव, उनकी सुपुत्री गुंजा गांव, जो डिप्रेशन की मरीज है, जिसकी दवा डॉक्टर बेरी और सदर हॉस्पिटल से चल रही थी, जो कल डेढ़ बजे से अकेले घर से बिना बताए निकल गई, जिसका ज्ञान उसको नहीं था, सदर से ही गायब हो गई। चूँकि ये दोनों थे नहीं, अपने ससुराल में किसी फंक्शन में गए हुए थे, वहाँ से लोग आज सुबह जब लौटे हैं तो इनको पता लगा कि कल से नहीं है। सुबह से ये लोग दोपहर तक खोजे हैं, उसके बाद इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कैंट में करा दी गई थी। उसके बाद इसकी सूचना जो है महिला थाना प्रभारी और कौड़ीराम चौकी इंचार्ज के सहयोग से मिली है। उसके बाद हमने जहाँ महिला थाना प्रभारी से मिलने के उपरांत सुपुर्दगी लेने के लिए यहाँ पहुँचे। इसके लिए मैं थाना महिला थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज कौड़ीराम और पुलिस बल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से 24 घंटे के अंदर बच्ची की सुपुर्दगी हम लोग को प्राप्त हुई।